क्लास 12th के आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम 15 यूनिट की एक्सरसाइज 15.2 डिस्कस करेंगे, जिसमें रैखिक प्रोग्रामिंग संबंधित वर्ड प्रॉब्लम के सॉल्यूशन होंगे। इससे पहले हमने 15.1 का डिस्कशन किया, यूनिट 13 का, यूनिट 14 का डिस्कशन किया, जिसको आप एक कॉर्नर पर आई बटन है उसे प्रेस करके अच्छे से उन वीडियो को देख सकते हैं, उन्हें प्लेलिस्ट से एक अच्छी सीक्वेंस के साथ तैयारी कर सकते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा 15.2 का, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम है, आप बुक से इस क्वेश्चन को पूरा देखें, उसके लिए एक टेबल तैयार किए, वो किस तरह से है देखिए ज़रा। अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो क्वेश्चन किस प्रकार का है ये भी देख लीजिए ज़रा। दो प्रकार के भोज्य बनाने हैं, भोजन दो प्रकार के बनाने हैं, फूड आइटम बनाने हैं, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड। इस फूड आइटम के बनाने की क्वान्टिटी हमें फाइंड करनी है एक्स और वाई। फर्स्ट टाइप के जो फूड है उसकी क्वांटिटी है एक्स और सेकेंड टाइप के फूड की क्वांटिटी है वाई। इस फूड को बनाने में विटामिन ए की मात्रा 2 यूनिट और इसी फूड को बनाने में विटामिन सी की मात्रा 1 यूनिट है। फिर सेकेंड टाइप के जो फूड को बनाने में विटामिन ए की 1 यूनिट और विटामिन सी की 2 यूनिट की यूज होगा, 2 इकाई का यूज होगा। टोटल विटामिन ए जो है 8 इकाई है, कम से कम 8 इकाई होना चाहिए, इससे अधिक यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, 8 इकाई तो कम से कम यहाँ पे रहेगा, अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है, कम से कम 8 इकाई है ये। और विटामिन सी के लिए देखिए कम से कम 10 इकाई है। फिर इसकी कॉस्ट जो फर्स्ट फूड आइटम के लिए और सेकेंड फूड आइटम के लिए जो कॉस्ट है वो हमारा उद्देश्य रहेगा जेड रहेगा, 5x + 7y। तो इस तरह से एक टेबल है जो क्वेश्चन को आपको अच्छे से रीड करके ये तैयार की है, इसको समझना है। फिर इससे रिलेटेड जो कॉन्स्टेंट्स है यानी व्यवरोध है वो कैसे होंगे देखिए ज़रा। व्यवरोध इस प्रकार होंगे देखिए, सबसे पहले विटामिन ए के लिए देखते हैं, 2 यूनिट पहले वाले फूड के बनाने में और 1 यूनिट दूसरे वाले को बनाने में। तो यदि 2 × x 1 × y ये व्यवरोध रहेगा हमारे कॉन्स्टेंट्स, 2x + y > 8 यहीं से लेना है, 2 × x 1 × y > 8। सेकेंड रहेगा 1 × x 2 × y > 10, x + 2y > 10। और ये ध्यान रहे x और y यहाँ पे हमेशा 0 से बड़े होंगे, ये हमारा उद्देश्य है z है, जिसके लिए हमें न्यूनतम मान ज्ञात करना है, मिनिमाइज करना है। इससे पहले एक्सरसाइज जो 15.1 थी उसमें हमारे पास इस प्रकार के व्यवरोध ऑलरेडी गिवन थे, उनको हमने ग्राफिकली सॉल्व करके मिनिमाइज किया था इस पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए। तो उसके ग्राफीय निरूपण के लिए सबसे पहले टेबल देख लीजिए, फर्स्ट जो व्यवरोध है इसको हम इक्वल लेके सॉल्व करेंगे, इसकी सारणी क्या होगी, इसके लिए सारणी क्या होगी देखिए ज़रा। एक्स और वाई, एक बार एक्स 0 तो वाई 8 हो जाएगा, जब वाई 0 होगा एक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी। तथा सेकेंड टाइम जो दूसरा व्यवरोध है x + 2y, इसके लिए = 10, इसके लिए सारणी कैसे होगी देखिए ज़रा। जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज किया था 15.1 में उसी प्रकार का यहाँ काम करना है, जब x 0 लेंगे तो y की वैल्यू 5 आएगी, y 0 लेंगे तो x की वैल्यू 10 प्राप्त होगी। अब इन दोनों सारणी का हम ग्राफीय निरूपण करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे और इसका मिनिमाइज करेंगे कि किस प्रकार ये जेड के लिए मिनिमम वैल्यू होगी। क्वेश्चन को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आपको अच्छे से ध्यान देना है, क्वेश्चन को रीड करना है। तो ग्राफिकली देखिए इसको, तो ग्राफ में इन दोनों टेबल का निरूपण कैसे होगा, उससे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें ज़रूर कि क्वेश्चन में किस प्रकार की कंडीशन, दो प्रकार के भोज्य फर्स्ट और सेकंड बनाना है, उनकी क्वांटिटी एक्स और वाई माननी है, हमेशा ध्यान रखना है, या मात्रा लिखेंगे क्वांटिटी लिखेंगे, ये थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है।
विटामिन ए भोजन फर्स्ट के लिए 2 यूनिट और विटामिन सी है, ये देखिए विटामिन सी 1 यूनिट, फिर सेकंड भोजन के लिए विटामिन ए 1 यूनिट है और विटामिन सी 2 यूनिट है। इसको आपको ऐसे लिखना है 2x + y < 8, x + 2y > 10, इन दोनों की टेबल हमने यहाँ पे तैयार की है, फर्स्ट और ये सेकंड। x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसलिए इसका आंसर जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये ध्यान रहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। x की वैल्यू इस साइड बड़ी होती है 0 से और y की वैल्यू 0 से बड़ी ऊपर की तरफ होती है। इनका टेबल का निरूपण कैसे होगा, देखिए 0 है x की वैल्यू और y की वैल्यू 8 है यहाँ पे होगा, और फिर ये 4-0 इस पॉइंट पे। और साथ ही साथ दूसरी लाइन के लिए देखिए 0-5 यहाँ होगा इस पॉइंट पे और 10-0 इस पॉइंट पे। तो जब इनको निरूपित करेंगे ग्राफ में तो इसका किस प्रकार आरेख रहेगा, किस प्रकार ग्राफ रहेगा वो देख ले जरा। ये ऐसे हो जाएगा ग्राफ इनका, फर्स्ट देखिए 0-8 ये वाला पॉइंट, 4-0 इस पॉइंट को मिलाया, ये फर्स्ट लाइन का आलेख है। अब इसका हल क्षेत्र किस दिशा में होगा, इसके लिए तरीका देखिए ज़रा। हमारे पास फर्स्ट अवरोध क्या था, 2x + y > 8। अगर यहाँ पे x की जगह 0 y की जगह 0 लें तो ये बिल्कुल असत्य है, ध्यान रहे। इसलिए ये इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ ना होके दूसरी दिशा में होगा, ये ध्यान रहे इस प्रकार से। फिर सेकंड लाइन के लिए देखिए 0.5 और 10.0 का ग्राफ, इसके लिए लाइन क्या थी हमारे पास, x + 2y > 10, 0-0 पुट किया, बिल्कुल ये भी असत्य आ गया। यह आपको रफली करके चेक करना है, क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये रफली आपको जस्ट चेक करने के लिए है कि किस प्रकार इसका हल क्षेत्र होगा। तो ये 0-0 रखा तो 0-0 के लिए ये असत्य है, तो मूल बिंदु की तरफ ना होके ये दूसरी दिशा में होगा, ये ध्यान रहे। ये इस तरह से अब देखिए दोनों एरो मार्क का कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला भाग, यहाँ पे दोनों एरो मिल रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं, या सिंगल एरो भी है, ये वाला पार्ट दोनों एरो के लिए कॉमन पार्ट हो जाएगा। इसको आपको छायांकित करना है, शेडेड कर देना है। फिर इसके लिए देखिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ पे दोनों लाइन कट रही है, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 4 पे कटेगी, ध्यान रहे इसको ग्राफिकली सॉल्व करके भी देखना है, इसको बीजगणितीय हल भी इसका देखना है। इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या पॉइंट है, 0.8 और ये है 10.0। इस प्रकार तीनों बिंदु हमने प्राप्त कर लिए, तीनों बिंदुओं को ए बी और सी लिखना है। इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको एलजेब्रिक एक्सप्रेशन से भी आप सॉल्व करके देखेंगे, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट 2.4 होगा। ये तीनों बिंदु हमारे कोणीय बिंदु होंगे, हमें यहाँ पे न्यूनतम मान जांच करना है इस जेड का। तो पहला वाला बिंदु ए है, फिर बी, उसके बाद सी। ए हो जाएगा 0.8, 2.4 और सी पॉइंट हो जाएगा 10.0। जेड के लिए देखिए इसकी वैल्यू 5 × एक्स की जगह 0 है और वाई की जगह 8 है, 56। फिर बी पॉइंट के लिए 5 × 2 और 7 × 4, 28 में 10 ऐड करेंगे 38। और तीसरा पॉइंट रहेगा 5 × 10 + 7 × 0, 50। इन तीनों में सबसे कम है ये वाला मान, मिनिमम है
किस पॉइंट पर है एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 4 पर, तो बिंदु 2 4 पर जेड का मान न्यूनतम होगा, मिनिमम होगा, इसलिए हमारा एक्स और ये वाई की वैल्यू है एक्स इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू 4। फर्स्ट टाइप के भोज्य की मात्रा 2 इकाई, सेकेंड टाइप के भोजन की भोज्य की मात्रा 4 इकाई होगी। आगे वाला पोर्शन जो हमने 15.1 किया था उसके जैसा ही है, बस हमें इनिशियली शुरुआत के अंदर वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन को पूरा रीड करके जो टेबल हमने पहले बनाई थी उस टेबल का जो है प्रिपरेशन अच्छे से सीखना है। जब वो टेबल आपको अच्छे से कवरअप हो जाएगी तो फिर ये कंडीशन और ये कॉन्स्टेंट्स और इसका जो जेड है वो निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इसमें सेकेंड क्वेश्चन में दो प्रकार के भोज्य हैं एक्स और वाई की मात्रा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। पिछले क्वेश्चन में विटामिन ए और सी दो ही प्रकार के विटामिन मिक्स थे, अब यहाँ पे तीसरा विटामिन है बी भी यहाँ पे है। टेबल आपके बुक में है, एक्स जो प्रकार का भोजन है उसकी मात्रा जो एक्स है उसमें विटामिन ए है 1 इकाई का, विटामिन बी 2 इकाई, विटामिन सी 3 इकाई है। सेकेंड टाइप के भोज्य जो वाई प्रकार का है इसमें 2, 2 और 1, विटामिन ए हो गए 2, विटामिन बी भी 2 और विटामिन सी 1 इकाई। इनकी जो कीमत है जो प्राइस है वो 6 रुपये और 10 रुपये है इनके भोजन की। हमें इसकी न्यूनतम कीमत ज्ञात करनी है, इसलिए हमारा जेड उद्देश्य हो जाएगा 6x + 10y। अब हमें विटामिन ए और बी तथा सी इन तीनों के जो मिनिमम क्वांटिटी है वो दे रखी है 10, 12 और 8। अब ये 10, 12 और 8 के साथ किस प्रकार का ये जो निशान होगा वो ज़रा ध्यान दें। यहाँ पे आपके बुक में वर्ड होगा एटलीस्ट, यानी कम से कम। जब ये कम से कम वाला शब्द आए तो कम से कम जैसे 10 होना चाहिए इससे अधिक होगा, 12 होना चाहिए इससे अधिक और 8 होना चाहिए इससे अधिक। तो हमारे पास कंडीशन कैसे बनेंगी, कॉन्स्टेंस कैसे बनेंगे, इसके विरोध कैसे बनेंगे वो देख लीजिए ज़रा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। x प्लस टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये फर्स्ट विरोध हो जाएगा। सेकेंड देखिए 2x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, 2x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, और तीसरा रहेगा 3x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 8। और हमेशा की तरह x और y ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑलरेडी होंगे ही होंगे, ध्यान रहे z हमारा ये हो जाएगा। फिर देखते हैं इसकी ग्राफी रिप्रेजेंटेशन के लिए टेबल। तो पहले इसके सॉल्यूशन में देखिए, जो इसके व्यवरोध के सॉल्यूशन के लिए हियर यहाँ x + 2y = 10 लेंगे तो इसकी एक टेबल तैयार होगी। बहुत ही सरल तरीका है इस टेबल को तैयार करने का, x 0 होगा y 5 हो गया और y 0 होगा तो x पूरा का पूरा 10 हो गया। इसी प्रकार सेकेंड के लिए देखिए 2x + 2y = 12 है तो हाफ कर लेते हैं यहाँ पे सबका, x + y = 6 होता है। और इसके लिए टेबल कैसे हो, इसके लिए टेबल बहुत ही आसान तरीका, जब x 0 y 6 होगा, y 0 तो x 6 होगा। और लास्ट रही हमारे पास कंडीशन 3x + y = 8, इसके लिए टेबल देखिए ज़रा x और y, जब x 0 होगा तो y पूरा 8 होगा और y 0 होगा तो x होगा 8/3। अब इन तीनों टेबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में। फर्स्ट टेबल को ग्राफ ही निरूपित करते हैं हम, x 0 y 5 कहाँ होगा, y एक्सिस पर, और y 0 और x 10 x एक्सिस पे, यहाँ पे पॉइंट होगा।
जब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। वो किस तरह से होगी देखिए जरा। जीरो फाइव और टेन जीरो। हल क्षेत्र किस तरफ होगा, इसके लिए तरीका क्या है, जीरो यहाँ लेना है, जीरो यहाँ लेना है। इस पॉइंट के लिए x प्लस टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू टेन को चेक करना है। जीरो प्लस टू इंटू जीरो, ये देखिए जीरो नॉट इक्वल टू या ग्रेटर देन टेन, ये असत्य है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ये ध्यान रहे। इसलिए ये मूल बिंदु की तरफ ना होके दूसरी दिशा में होगा, ये ध्यान रहे। इसका एरो मार्क इस तरह से होगा। फिर हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन को। सेकंड इक्वेशन हमारे पास देखिए 2x 2y 12, इसका हमने टेबल तैयार किया था। x का 0, y का 6 और y का 0, x का 6, ये इस पॉइंट पे। और तीसरी जो है लाइन जिसमें x 0, y 8 है, y एक्सिस पर 8 पॉइंट, और y 0 जब होगा यहाँ इस पॉइंट पे 8 रहेगा, y 0 होगा x की वैल्यू 8/3। अब 8/3 ऑलमोस्ट 2 पॉइंट समथिंग होती है, 3 से थोड़ा सा पहले रहेगा इसका वैल्यू। तो ये इन दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे तो कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा देखिए ज़रा। इस तरह से लाइन रहेगी। 0660 कहाँ है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। इसका हल क्षेत्र किधर होगा, इसका तरीका है देखिए। 0 0 रखने पे ये भी असत्य आएगा, ये भी मूल बिंदु की दूसरी दिशा में होगा। ये इस प्रकार इसका हल क्षेत्र। और तीसरी रेखा 0 8, ये वाला पॉइंट, और 8/3, 0, ये इस जगह पॉइंट होगा। इसके लिए भी मूल बिंदु के लिए जांच करें तो ये भी असत्य होगा। इसका भी हल क्षेत्र दूसरी दिशा में होगा। अब देखिए तीनों का कॉमन रीजन, ऐसा पार्ट जहाँ पे तीनों एरो मिक्स हो जाए उसको देखिए ज़रा। ये वाला पोर्शन रहेगा पूरा पूरा, ये इस तरह से, जहाँ पे ये तीनों लाइन मिल जाती है, इनका कॉमन पार्ट हो जाता है। ये वाला नहीं रहेगा, इससे ऊपर वाला रहेगा। ये इससे ऊपर था, इस एरिया के लिए, इस पर्टिकुलर रीजन में देखिए, इस लाइन का भी एरो मार्क इस साइड रहेगा, इस लाइन का भी और इसका भी। ये वाला पार्ट रहेगा इस पॉइंट से ऊपर ऊपर, ये पोर्शन नहीं है, ध्यान रहे, ये वाला पोर्शन है। तो पॉइंट कौन से होंगे हमारे, वो ज़रा नोट कर ले एक बार, कितने पॉइंट होंगे इसके लिए, वो इम्पोर्टेंट ज़रूरी है। एक तो रहेगा 10, 0 जो हमारे एक्स एक्सिस पे है, एक रहेगा आपके 2, 4, एक रहेगा 1, 5। इस तरह से देखिए, ये ए पॉइंट है जैसे 10, 0। दूसरा रहेगा यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये कौन सी लाइन का है, इस लाइन का और इस लाइन का, ये वाला पॉइंट। तीसरा है हमारा ये पॉइंट, और चौथा है ये वाला। ये पॉइंट हम ऑलरेडी ज्ञात कर चुके हैं। अब देखते हैं ये दोनों बिंदु क्या होंगे, ए पॉइंट हो गए, ये बी और सी क्या होंगे, टी हमें पता है। तो इसका तरीका देखिए, क्योंकि किस तरह से निकाला जाएगा ये मान। ये दोनों बिंदु बी और सी, आप जब लाइन को इंटरसेक्टिंग पॉइंट का पता लगाएंगे तो ये बी पॉइंट आपके रहेगा 2, 4 और सी पॉइंट रहेगा 1, 5। आएंगे कैसे, यहाँ पे आपको दो दो इक्वेशन को लेके सॉल्व करना है। इन दो को सॉल्व करेंगे, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। जैसे देखिए ये रफली आपको पता लगाना है, जब ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो -x की वैल्यू -2 यानी x की वैल्यू 2 प्राप्त होती है।
यहाँ पे देखिए इस पॉइंट के लिए, बी पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 4 प्राप्त होगी। जब ये 2 हम इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 4, ये ध्यान रहे। फिर जब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें, जो कि लाइन इस तरह से रहेगी दोनों, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे होगा देखिए ज़रा। फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज लिख के आपको सेकेंड को 2 से इंटू करके चेक करना है। सेकेंड इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन को 2 से इंटू करूँ तो देखिए 6x प्लस 2y इक्वल टू 60, सबका डबल करना है, इसका डबल, इसका डबल और इसका डबल, 2x 2y 12, माइनस माइनस ये माइनस हो गया, 4x इक्वल टू 4 और x की वैल्यू 1 प्राप्त होगी जो यहाँ है। ये 1 आप किसी में भी पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, 5 प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार हमें चारों बिंदु प्राप्त हो गए। अब इनके लिए निम्नतम मान ज्ञात करते हैं इन बिंदुओं के लिए। तो चारों कोणीय बिंदु ए बी सी और डी, जेड के लिए इसके मान क्या होंगे देखिए। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्स की जगह 10, वाई की जगह 0 पुट करें 60। फिर देखिए 6 एक्स की जगह अभी क्या पुट करना है 2, 10 वाई की जगह 4, 12 और 40 हो गया 52। फिर 6 इंटू 1 10 इंटू 5 50 और 6 हो गया 56। और लास्ट रहेगा 6 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 8 80। न्यूनतम मान है हमारा 52 यानी 52, ये सबसे कम है, मिनिमम वैल्यू है, न्यूनतम मान है। किस बिंदु पर है, बिंदु 2, 4 पर मिनिमम वैल्यू यानी न्यूनतम मान 52 है, जहाँ पे एक्स 2 है और वाई 4 है। यानी पहले वाले बोझे की मात्रा 2 किलोग्राम और दूसरे की 4 किलोग्राम होगी, ये हमारा आंसर है। इस प्रकार से जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन हैं उनकी पहले जो टेबल है उससे हम कॉन्स्टेंट यानी व्यवरोध प्राप्त करें, उसके बाद ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण से हमें ये कॉर्नर वाले पॉइंट मिलेंगे, कोणीय बिंदु मिलेंगे, इन बिंदुओं की जांच हमें जेड उद्देश्य पे करनी है। प्रश्न के अनुसार न्यूनतम मान या अधिकतम मान जो भी हमें पूछा है उसे ज्ञात करना है और वहाँ पे पॉइंट हमें पता लगाना है कि एक्स और वाई क्या होंगे। ये हमारा 15.2 के क्वेश्चन का एक समरी है, एक शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से किया जाता है। तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देखिए आप। ये प्रश्न आपके प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें ये बोला है कि दो प्रकार के केक बनाने हैं, फर्स्ट टाइप का और सेकंड टाइप का। उन केकों की मात्रा हमने एक्स और वाई मान ली। पहले वाले केक को बनाने के लिए जो आटा प्रयुक्त होगा वो 300 ग्राम और वसा यानी फैट की जो आवश्यकता होगी वो 15 ग्राम। सेकेंड टाइप के जो केक को बनाने में 150 ग्राम आटा और 30 ग्राम वसा यानी फैट की आवश्यकता होती है। हमें ये गिवन है कि आटा जो है वो 7.5 केजी, जिसको हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो 7,500 ग्राम, ध्यान रहे। यहाँ पे 7.5 केजी को हम लिखेंगे 7500 ग्राम, एक किलो ग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए ये हो गया आटे के लिए। 7.5 किलो आटा है हमारे पास, उसको हमें यूज़ करना है। अधिक से अधिक हमारे पास ये आटा ही है, 7.5 किलो है। इसी आटे का यूज़ करके ही हम केक बनाएंगे, इससे ज़्यादा हमारे पास इसकी मात्रा नहीं है, इसलिए ध्यान रहे ये अधिक से अधिक, एक वर्ड आएगा अधिक से अधिक, ये ध्यान रहे। शब्दों का बड़ा इम्पोर्टेंस है यहाँ पे, यानी कि एटमोस्ट
उसमें था एटलीस्ट, यहाँ था एटमोस्ट। जब भी एटमोस्ट होगा तो ये निशान इस तरह से रहेगा। एटलीस्ट के लिए हमने निशान दूसरी तरफ लगाया था। वसा देखिए, पहले वाले केक के लिए 15 ग्राम, दूसरे केक के लिए 30 ग्राम और अधिकतम हमारे पास जो इसकी क्वांटिटी दे रखी है वो दे रखी है 600 ग्राम। तो इससे व्यवरोध कॉन्स्टेंट्स किस प्रकार प्राप्त होंगे वो पहले देख लीजिए। देखिए 300 इंटू एक्स प्लस 150 इंटू वाई लेस देन इक्वल टू 7500। ये ग्राम में कन्वर्ट किया इसलिए ये 7500 हो गया। इसको कैलकुलेट करें तो 0 से 0 से 0 कट, 30x 15y और अब इसमें 15 का डिवाइड दें इसी को 2x प्लस वाई। ये हमारा पहला कॉन्स्टेंट, पहला व्यवरोध हो गया फर्स्ट नंबर का। दूसरा कैसे होगा देखिए जरा, वसा के लिए सेकेंड 15x, ये x कहाँ से आएगा, यहाँ से इंटू में, क्वांटिटी हमेशा x और y इंटू होती रहेगी, 30y 600। तो यहाँ पे 15 का डिवाइड देते x प्लस 2y 40। ये कांस्टेंट नंबर टू है, व्यवरोध नंबर दो है। यहाँ पे हर बार की तरह x और y हमेशा जीरो के इक्वल, अब जीरो से बड़ा रहेगा। और उद्देश्य ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें हमारा उद्देश्य क्या है, z क्या है, वो है अधिकतम मात्रा ज्ञात करने से संबंधित है। तो मात्रा यहाँ पे x प्लस वाई है और इसका भी हमें अधिकतम मान ज्ञात करना है, मैक्सिमम। यानी जो टेबल बनाएंगे हम मैक्सिमम और मिनिमम के लिए जो कोणीय बिंदु वाली, उसमें हमें अधिकतम मान ज्ञात करना है। फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को ग्राफी रिप्रेजेंट करके ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन प्राप्त करें और कौन से कोणीय बिंदु होंगे उसके लिए हमें इसका मैक्सिमाइज करना है। यह आपकी प्रैक्टिस के लिए है। क्वेश्चन किस प्रकार का था इसका हमने डिस्कशन कर लिया। फिर भी अगर इसके सॉल्यूशन में प्रॉब्लम रहती है तो आप ज़रूर कमेंट करें। 15.1 की तरह अगर आपके कमेंट रहेंगे तो क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा कि इसका परफेक्ट आंसर किस तरह से होगा। ध्यान रहे इसको। फिर देखते इसी के अगला क्वेश्चन नंबर 4 की टेबल किस तरह से होगी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, उसके लिए कॉन्स्टेंट्स क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, बुक के अंदर आप इस क्वेश्चन को रीड करेंगे तो किस तरह का है ये देखिए ज़रा, उसे आप परफेक्टली समझ लीजिए इस टेबल की सहायता से। दो प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करना है, नट और बोल्ट। नट और बोल्ट का निर्माण करेंगे, इसके लिए मात्रा x और y है। इनके निर्माण के लिए यंत्र A और यंत्र B, दो दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हैं A और B, उनका यूज़ करके हमें इन नट और बोल्ट का निर्माण करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, इनको बनाना है। यंत्र A द्वारा नट को बनाने में 1 घंटे का समय लगाया जाता है, यंत्र B द्वारा 3 घंटे का समय लगाया जाता है। ये नट को बनाने में दोनों यंत्रों का समय है 1 घंटा और 3 घंटा। बोल्ट को बनाने में वही यंत्र A 3 घंटा का समय देता है, यंत्र B 1 घंटे का समय देता है। दोनों यंत्र अधिकतम 12 घंटे चलते हैं, ये ध्यान रखिए, ये अधिकतम वर्ड है आपके बुक में, मैक्सिमम यहाँ पे एटमोस्ट, एटमोस्ट 12 आवर्स दोनों का वर्किंग कैपेसिटी है, दोनों का कार्य क्षमता है। इसके लिए लाभ देखिए, नट को बनाने में 2.50 यानी कि 2.5 रुपये का लाभ मिलता है, 2.50, और बोल्ट बनाने में 1 रुपये का लाभ मिलता है। ये हमारा उद्देश्य रहेगा, जेड रहेगा 2.5x, जीरो की कोई आवश्यकता नहीं, और प्लस वाई, ये हमारा जेड है। इसके लिए हमें देखो, लाभ की जब भी बात हो हमें अधिकतम ही ज्ञात करना है, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी निर्माता हमेशा अधिकतम लाभ के लिए ही निर्माण करता है। तो अधिकतम लाभ हमें ज्ञात करना है। इसके लिए जो कॉन्स्टेंट्स है यानी व्यवरोध है वो कैसे होंगे ज़रा ध्यान दीजिए। 1 इंटू x, 3 इंटू y, लेस देन इक्वल टू 12, ये व्यवरोध है हमारे। x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12, ये देखिए 12 की तरफ इस तरह से निशान रहेगा।
3x प्लस वाई 12 हो गया, और x और y हमेशा जीरो से बराबर या बड़े रहेंगे। और इसके लिए उद्देश्य हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, z इक्वल टू 2.5x प्लस वाई। इसका ग्राफीय सॉल्यूशन करना है आपको, जो हमने 15.1 और आज के जो वीडियो में इनिशियल इक्वेशन थे फर्स्ट सेकंड उसमें किया था। ग्राफीय विधि से सॉल्यूशन करके कोणीय बिंदु प्राप्त करके अधिकतम मान ज्ञात करना है। इस प्रकार का ये आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, किस प्रकार से सॉल्व करना है इसके लिए आपके सामने कंडीशन प्रतिबंध इस तरह से हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से, बुक से आप क्वेश्चन देखें। दो वस्तुएं हैं पंखा और सिलाई मशीन, इनकी मात्रा x और y मान ली और इसकी कीमत दे रखी है 360 रुपये पंखे के लिए और 240 रुपये सिलाई मशीन के लिए। पंखे पर लाभ प्राप्त होता है 22 रुपये का और सिलाई मशीन पर 18 रुपये का। साथ ही साथ हमें क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि उसके पास अधिकतम 20 वस्तुएं रखने की ही जगह है, यानी कि पंखे और सिलाई मशीन की टोटल मिला के जो संख्या होगी वो अधिक से अधिक 20 ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा उसके पास रखने की जगह नहीं है। और उसके पास निवेश यानी इन्वेस्ट करने के लिए पैसे कितने हैं, 5760 रुपये, इससे ज़्यादा वो पैसे खर्च भी नहीं कर रहा है इनको खरीदने में। फिर उसको जब लाभ कमाना है इसके लिए वो किस तरह से बेचेगा, कितनी क्वांटिटी में पंखे रखेगा, कितनी क्वांटिटी में सिलाई मशीन रखेगा ताकि वो मैक्सिमम लाभ प्राप्त कर सके, इसके लिए देखिए उद्देश्य 22x प्लस 18y, ये हमारा उद्देश्य जेड। कॉन्स्टेंट व्यवरोध क्या रहेगा हमारे लिए, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 20, यानी कि x और y का मान अधिक से अधिक 20 होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, ये हमारा पहला कांस्टेंट है। और दूसरा रहेगा 360x 240y लेस देन इक्वल टू 5760, 0 0 कैंसिल आउट करें तो 36x 24y 576। और जब हम 12 का डिवाइड दें, 12 का भाग दें, इसमें 12 का भाग 3 बार, इसमें जाएगा 2 बार, और इसमें 12 का जो भाग जाएगा वो 48 बार जाएगा। इस प्रकार से सेकेंड और फर्स्ट दोनों कांस्टेंट व्यवरोध प्राप्त हो गए। फर्स्ट ये है x और y हमेशा जीरो से इक्वल या बड़े रहेंगे, इनका आपको ग्राफीय सॉल्यूशन करना है अच्छे तरीके से। तो इस प्रकार एक्सरसाइज 15.2 के फर्स्ट से लेकर 5 तक के क्वेश्चन का हमने डिस्कशन किया। शुरू के क्वेश्चन पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिए गए हैं और बाकी वाले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन क्वेश्चन और उसके जो कंडीशन है वो कर दी। सॉल्यूशन और ग्राफीय मेथड से आप उसका आंसर तक जरूर पहुँचे, और अगर प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट जरूर करें। बाकी 15.1 को अच्छे से कवर अप कीजिए ताकि इसके लिए जो सॉल्यूशन करने का जो है प्रोसेस वो आप अच्छे से सीख पाए और एवरी क्वेश्चन अटेंड कर पाए। इससे आगे वाले क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस जरूर करेंगे जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, 6 और 6 से आगे वाले आने वाले क्वेश्चन। तब तक आप अच्छे तरीके से जुड़े रहिए, कोर्स को अच्छे से कवर अप कीजिए, स्पेशली वेक्टर और 3D को अच्छे से जरूर करें। साथ ही साथ हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट थी उसमें भी इस यूनिट और वेक्टर और 3D यूनिट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उन्हें आप जरूर देखें जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। और अपने आप को सेफ रखें, अच्छे से प्रिपरेशन के साथ आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।